महाराष्ट्र की राजनीति में बीते शनिवार को बड़ा उलटफेर हुआ। सभी की नजरें शिवसेना के उद्धव ठाकरे पर थी कि वो राज्य के अगले सीएम बनेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेकर पूरी बाजी ही पलट दी, जिसपे हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ कुछ बॉलीवुड स्टार्स महाराष्ट्र में मोदी सरकार के बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ ट्विटर पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। अब लीजिए इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भी ट्वीट किया है, जो कि खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कमाल आर खान यानी कि KRK ने लिखा, सभी महाराष्ट्र के लोगों को शर्मानी चाहिए। यदि सभी राजनीतिक दल हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक को बेच और खरीद रहे हैं, तो मैं अपने पूरे जीवन में फिर कभी वोट नहीं दूंगा। तो देखा आपने, KRK ने इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति पर अपना रिएक्शन दिया है। वैसे KRK के इस ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम और अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बीजेपी और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NCP नेता अजीत पवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। वैसे KRK के ट्वीट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।